नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जब गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था तो उसी दिन कुछ तथाकथित किसानों का झुंड तिरंगे का अपमान कर रहा था, लाल किले पर कब्जा कर रहा था, पुलिस को पीट रहा था। इतना ही नहीं, जिस तरह से लाल किले के गुंबद पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराया गया, उसे देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाएगा। यहां तक कि देश के दिग्गज पत्रकारों ने भी किसान रैली के नाम पर इस तरह की अराजकता करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट कर कहा, तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, ये लाल किले की गरिमा से खिलवाड़ है, इसमें सुर्ख लहू शामिल है, आजादी के मतवालों का इस ऐतिहासिक बुनियाद में एक सोच शामिल है जिसका नाम हिंदुस्तान है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी ट्वीट कर लिखा, लाल किले पर इस तरह का झंडा फहराना किस तरह के लोकतंत्र का परिचय है? ये कौन से अधिकार हैं भाई जिसने हिंसा करने को अधिकृत कर दिया? ये कैसे अन्नदाता हैं जो हमलावर की तरह वार कर रहे हैं? एक और ट्वीट में दीपक चौरसिया ने लिखा, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, तिरंगे का अपमान स्वीकार नहीं, बेहद निंदनीय घटिया कृत्य है। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी किसानों के उपद्रव पर लिखा, पहले ही कहा था कि एजेंडा ही यही था कि किसान को बनाकर हथियार, वो हंगामा करो कि हेडलाइन ऐसी बने कि मोदी सरकार को घेरा जा सके। किसान का भला तो कभी था ही नहीं इन एजेंडाधारी नेताओं की लिस्ट में। अब देश देख रहा है और सत्य सबके सामने है, शर्मनाक। वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने लिखा, इन तस्वीरों को देखकर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है, कौन है ये वाहियात लोग, इनको सच में कृषि कानून से कोई वास्ता है? इस झंडे का रंग अगर गलती से हरा होता तो क्या होता? इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक और ट्वीट में रूबिका लियाकत ने पोल पर धार्मिक झंडा फहराते हुए तस्वीर शेयर कर लिखा, शर्मसार कर देने वाली एक और तस्वीर, किसका एजेंडा है ये किसान कतई नहीं है। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने भी लिखा, लाल किले पर तिरंगे के अलावा कुछ भी फहराना सही नहीं, कोई धर्म पताका भी नहीं। जो इस कृत्य का बचाव करेंगे वो तब क्या बोल पाएंगे जब यहाँ कोई किसी और रंग का पताका फहरा देगा। एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने भी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने की निंदा करते हुए लिखा, असल मकसद ये था, खेती का कानून तो बहाना था, गणतंत्र दिवस पर लाल किले की गरिमा से खिलवाड़, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। डी न्यूज वाले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने किसान की मौत पर लिखा, दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, खुश हैं आप लोग या अभी भूख नहीं मिटी? पत्रकार समीर अब्बास ने भी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने का विरोध करते हुए लिखा, ऐसी शर्मनाक तस्वीरें जीते जी देखनी पड़ेंगी, ये सोचा नहीं था जीवन में। हमारी आन बान शान के प्रतीक लाल किले की प्राचीर से ऐसा मंजर, आंखें नम है। एक और ट्वीट में पत्रकार समीर अब्बास ने पूछा, लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर मेन राष्ट्रीय ध्वज के ठीक नीचे प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा लहराया, हाथों में हथियार लहराए, दिल्ली पुलिस पूरी तरह सरेंडर के मोड में क्यों है? अयोध्या पर किताब लिख चुके पत्रकार हेमंत शर्मा ने लिखा, लाल किला हमारे गौरवशाली लोकतंत्र का प्रतीक है, उसे कलंकित करने वाले किसान नहीं हो सकते, ये स्वार्थजनी अराजकता है, राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय शर्म है, ये उपद्रवी सब कुछ हो सकते हैं पर अन्नदाता नहीं हो सकते। लाल किले के गुंबद पर पहले धार्मिक झंडा फहराया गया, फिर लाल किला परिसर में ही एक पोल पर भी धार्मिक झंडा फहराया गया, जिसकी निंदा तमाम दिग्गज पत्रकार भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ कथित लिबरल अभी भी इन उपद्रवियों के बचाव में ये सफाई दे रहे हैं कि वो सिखों का धार्मिक झंडा था। तो फिर क्या ये सही है कि जहां शान से तिरंगा लहराता है वहां किसी भी धर्म का झंडा फहरा दिया जाए, वो भी जबरदस्ती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस देश का सिर्फ एक झंडा है और वो है तिरंगा। बहरहाल, जिस तरह से लाल किले में जबरन धार्मिक झंडा फहराया गया, इस शर्मनाक दृश्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।